हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक पिंटोरोसन। दोस्तों आज हम जानेंगे कि सी लैंग्वेज होता क्या है। दोस्तों व्हाट इज सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, सी लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कि हम लोग कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सी लैंग्वेज में सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। दोस्तों सिंटैक्स दोस्तों किसी भी, जैसे हम मैथ का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसमें सबसे पहले हमको कुछ एक फार्मूला की जरूरत पड़ती है। अगर कोई भी क्वेश्चन सोल्व, अगर उसको हल्का करना है दोस्तों, तो उसको सबसे पहले हमको जो है फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह दोस्तों एक सिंटैक्स जो है सी लैंग्वेज में एक मेथड है जिसके अनुसार हम प्रोग्रामिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो उसके बाद आता है दोस्तों हेडर फाइल। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, ये हेडर फाइल क्या होता है और शुरुआत में हम कौन सा हेडर फाइल यूज़ करने वाले हैं? जी हाँ दोस्तों, तो शुरुआत में दो ही हेडर फाइल यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, सेकेंड हच इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच। दोस्तों हच स्टूडियो डॉट एच और कॉन्यू डॉट एच ये क्या होता है, आगे जो हम प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल जब प्रोग्राम बनाएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों मेन। जी हाँ दोस्तों, जो मेन होता है दोस्तों वो एक प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो उसका एक कंपलसरी होता है कि मेन डाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब तक हम मेन नहीं डालेंगे तब तक आगे हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, एरर आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों ओपन कर्ली ब्रैकेट। जी हाँ दोस्तों, ओपन कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद आता है क्लोज कर्ली ब्रैकेट। जी हाँ दोस्तों, ओपन कर्ली ब्रैकेट और क्लोज कर्ली ब्रैकेट के जो बीच में जो कोडिंग होता है वही दोस्तों रन होता है, वही आगे हम रन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों डाटा टाइप। जी हाँ दोस्तों, डाटा टाइप यहाँ पे हम दो पढ़ने वाले हैं। डाटा टाइप एक होता है दोस्तों प्राइमरी डाटा टाइप, एक होता है सेकेंडरी डाटा टाइप। जी हाँ दोस्तों, प्राइमरी डाटा टाइप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर करैक्टर हो गया, इंटीजर हो गया और फ्लोट हो गया और डबल हो गया। जी हाँ दोस्तों, करैक्टर, इंटीजर, फ्लोट और डबल। और दोस्तों सेकेंडरी में आ जाता है एरे, पॉइंटर और स्ट्रक्चर ईटीसी। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हम एरे और पॉइंटर और स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानेंगे, सेकेंडरी के बारे में नहीं जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइमरी डाटा टाइप क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों कि कैरेक्टर होता क्या है, इसमें जो प्राइमरी डाटा टाइप में कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और डबल ये होता क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले कैरेक्टर जो होता है, कैरेक्टर एग्जांपल के तौर पर अगर किसी भी प्रोग्रामिंग का हम नामांकरण करेंगे तो जैसे नामांकरण ए से लेकर जेड तक कोई भी हम ले सकते हैं, ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक कोई भी नाम हम ले सकते हैं। इसमें दोस्तों वन बाइट, जी हाँ दोस्तों, कैरेक्टर में वन बाइट डाटा टाइप होता है। जी हाँ दोस्तों, वन बाइट होता है। और इंटीजर हो गया दोस्तों, नाम से ही आपको लग रहा है कि इंटीजर यानी कि अंक वाला, तो नाम से ही लग रहा है एक दो तीन, इंटीजर जहाँ पे यह आए तो वहाँ पे वो टू बाइट क्या बोलते हैं डाटा टाइप होगा, वेरिएबल होगा उनका। और एग्जाम्पल के तौर पर इंटीजर नाम से ही एक दो तीन जब भी आए तो वहाँ पे हम इंट लेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या लेंगे? इंट लेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों फ्लोट। दोस्तों इसमें क्या होता है, फोर बाइट होता है। क्या होता है दोस्तों? फोर बाइट। फ्लोट में क्या होता है, फोर बाइट ऑब्जर्व करता है ये। एग्जाम्पल के तौर पर जितना भी डेसीमल वाला पॉइंट होता है, 1.2, 2.2, 3.2, जितना भी होता है ना पॉइंट वाला, डेसीमल वाला, इसमें हम फ्लोट में लेते हैं। इसके बाद होता है डबल। डबल में सेम ही प्रोसीजर होता है और इसमें, लेकिन सबसे पहले उसमें फोर बाइट होता है वेरिएबल, इसमें आठ बाइट होता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए डिफरेंट कर जाता है, पर बाइट के कारण ही डिफरेंस हुआ और सब कुछ सेम होता है। अब जानते हैं कि दोस्तों इंटीजर जो होता है, इंटीजर जो होता है उसको दोस्तों परसेंट डी से हम लोग वैल्यू करते हैं, परसेंट डी से उनको दर्शाते हैं, यूज करते हैं। करैक्टर जो होता है दोस्तों उनको हम प्रोग्राम में यूज करते हैं परसेंट सी से। और स्ट्रिंग लैंग्वेज होता है दोस्तों, स्ट्रिंग जो कंपलसरी दोनों को मिला के होता है उसको हम परसेंट एस से हम करते हैं। और एक फ्लोट होता है दोस्तों जो कि परसेंट एफ से हम उसको दर्शाते हैं, यूज करते हैं प्रोग्राम में जब हम कोडिंग करना शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आ जाता है दोस्तों हम लोग दो और मेन पॉइंट हम यूज करने वाले हैं। एक होता है प्रिंट ऐप, एक होता है स्कैन ऐप। जी हाँ दोस्तों, प्रिंट ऐप का काम होता है किसी भी इनपुट को आउटपुट करना। जी हाँ दोस्तों, और स्कैन ऐप का काम होता है दोस्तों किसी भी करेक्टर वैल्यू को रीड करना, पढ़ना। स्कैन ऐप का काम होता है दोस्तों किसी भी वैल्यू को रीड करना, और प्रिंट ऐप का काम होता है किसी वैल्यू को आउटपुट देना। क्या करना दोस्तों? आउटपुट देना। जी हाँ दोस्तों, तो हम जान चुके हैं कि इंटीजर को हम परसेंट डी से दर्शाते हैं, करेक्टर को परसेंट सी से दर्शाते हैं, स्ट्रिंग को परसेंट एस से दर्शाते हैं, और
और फ्लोट को दोस्तों परसेंट एफ से हम लोग दर्शाते हैं, यूज करते हैं प्रोग्राम में। जी हाँ दोस्तों, अब आ जाते हैं दोस्तों सेमी कोलोन। जी हाँ दोस्तों, सेमी कोलोन क्या होता है? कोई भी हम लाइन लिखते हैं, जी हाँ दोस्तों, कोई भी अगर हम प्रोग्राम में लाइन बाय लाइन लिखते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर हमको इनपुट करना हो, आउटपुट करना हो, अगर वो लाइन मेरा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद दोस्तों हमको सेमी कोलोन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों वो लाइन को ख़त्म करता है और अगला लाइन शुरुआत हो, नया लाइन शुरुआत हो, उसको वो दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, सेमी कोलोन लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब आ जाता है दोस्तों CLR CR। जी हाँ दोस्तों, क्लियर CR SCR। जी हाँ दोस्तों, क्लियर SCR क्या होता है दोस्तों? कोई भी प्रोग्राम हम पहले से किए हुए हैं, जहाँ तो जैसे टर्बो C++ में प्रोग्राम पहले से किए हुए हैं, अगर हम क्लियर SCR नहीं लगाते हैं दोस्तों, क्लियर SCR नहीं लगाते हैं, तो वो क्या होता है, जो पहले का प्रोग्राम रहता है, जो नया प्रोग्राम रहता है, दोनों को रन कर देता है। इसलिए दोस्तों क्लियर SCR लगाना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों गेट CH। जी हाँ दोस्तों, गेट CH का क्या काम है? जी हाँ दोस्तों, गेट CH का काम है, और उसके बाद गेट CH लिखने के बाद दोस्तों सेमी कोलन लगाना भी बहुत जरूरी है। अब मेनली क्या होता है गेट CH का काम? दोस्तों प्रोग्राम को होल्ड करना। जी हाँ दोस्तों, क्या करना? प्रोग्राम को होल्ड करना। चलिए दोस्तों, अब इतना कुछ जान चुके हैं, अब हम एक प्रोग्राम रन करके बताते हैं आपको, एक प्रोग्राम रन करके बताते हैं।